गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर दैट इज स्टडी स्ट्रेटजीज फॉर द एनहांसमेंट इन द फूड प्रोडक्शन। स्टूडेंट, दिस वन इज वेरी बिग एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड मैक्सिमम पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर हैज बीन एलिमिनेटेड डिलीटेड बाय सीबीएसई बोर्ड फॉर दिस ईयर ड्यू टू कोविड-19, यू नो। बट सम पोर्शंस सच एज एनिमल हस्बेंड्री, सिंगल सेल प्रोटीन, बायो फोर्टिफिकेशन एंड टिश्यू कल्चर, सम पोर्शन आर स्टिल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रैक्टिकल एज वेल एज योर बोर्ड एग्जाम। सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर द स्ट्रेटजीज फॉर द एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। नाम से ही पता चल रहा है आपको कि फूड प्रोडक्शन में एनहांसमेंट करने के लिए, बढ़ोतरी करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज हम अपना सकते हैं। जैसा कि आपको पता है बच्चों, ड्यू टू रैपिड इंक्रीजमेंट इन ह्यूमन पॉपुलेशन द डिमांड ऑफ फूड हैज बीन इंक्रीज सिंक्रोनसली। जो हमारा पॉपुलेशन इतना तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए फूड आइटम्स की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही है। और जबकि हमारा फर्टाइल लैंड जो है वह घटता चला जा रहा है ड्यू टू अर्बनाइजेशन, ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, ड्यू टू माइनिंग, ड्यू टू पॉल्यूशन, ड्यू टू मैन मेड एक्टिविटीज, सो मेनी रीजंस देयर आर, एंड डिफॉरेस्टेशन, एंड दीज एक्टिविटीज आर फाइनली लीड द डिक्लाइन इन द फर्टाइल लैंड, द लैंड फिट फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। दैट्स व्हाई वी हैव टू फोकस ऑन द स्ट्रेटजीज फॉर द एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, इनहेंस करने के लिए हम क्या क्या स्ट्रेटजीज अपना सकते हैं बच्चों। अभी तक ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर था, लेकिन इस बार के एलिमिनेशन में इस चैप्टर की ज्यादातर पोर्शन एलिमिनेट किए गए हैं, म्यूटेशनल ब्रीडिंग वगैरह, प्लांट ब्रीडिंग के भी कुछ पार्ट्स, लेकिन कुछ ना कुछ पार्ट्स इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं, जो एनिमल हस्बेंड्री के पार्ट्स हैं या बायो फोर्टिफिकेशन या सिंगल सेल प्रोटीन के पार्ट्स हैं। तो हम लोग कंपटीशन ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग ऑन द होल पढ़ने में विश्वास रखते हैं बच्चों, इसीलिए हम लोग कुछ भी पोर्शन इस चैप्टर का छोड़ेंगे नहीं और इस चैप्टर के पूरे पूरे पार्ट्स को हम लोग अच्छे ढंग से देखेंगे, क्योंकि यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आगे चल के, बिकॉज यू नो दैट बायोलॉजी इज योर मेन सब्जेक्ट, अब आपका मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी ही हमेशा रहेगा, इसीलिए जो है आपको इसके किसी भी पोर्शन को या इंपॉर्टेंट पार्ट्स को अवॉइड नहीं करना है। सो लेट अस स्टार्ट स्ट्रेटजीज फॉर द एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। इन दिस चैप्टर चिल्ड्रन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज फॉर द एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, सच एज एनिमल हस्बेंड्री, इट मीन्स डेयरी, इट मीन्स पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, डेयरी फार्म मैनेजमेंट, and then pisciculture, you know, fisheries, and the apiculture, lac culture, sericulture, all the animal husbandry are the parts of the strategies for the enhancement in food production, because through animals we just acquire the food items also, food supplement also, as well as we earn money in many resources. So children, first of all we are going to just see एनिमल हस्बेंड्री, दैट व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री। ध्यान से इसको समझिएगा बच्चों, एनिमल हस्बेंड्री इज द प्रोसेस ऑफ रियरिंग एंड मैनेजमेंट। ध्यान दीजिएगा, एनिमल हस्बेंड्री इज द प्रोसेस ऑफ रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ वेरियस लाइफ स्टॉक फॉर ह्यूमन वेलफेयर। एक डेफिनेशन, पहला डेफिनेशन समझिए आप आराम से। एनिमल हस्बेंड्री वह प्रोसेस है जिसमें वेरियस लाइफ स्टॉक का, एनिमल्स का रियरिंग किया जाता है फॉर ह्यूमन वेलफेयर, मनुष्य के फायदे के लिए, मनुष्य के वेलफेयर के लिए हम लोग जो है इसमें वेरियस लाइफ स्टॉक की रियरिंग करते हैं बच्चों, और उससे कई प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं फॉर ह्यूमन वेलफेयर, फॉर फूड आइटम्स, फॉर अदर आइटम्स टू विच वी कैन अर्न मनी। सो दीज आर द पार्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया एनिमल हस्बेंड्री इज द प्रोसेस ऑफ रियरिंग एंड मैनेजमेंट of various animals, various livestock to obtain various products for human welfare is known as animal husbandry. यहाँ पर बच्चों एक वर्ड आ रहा है रियरिंग, यह एक वर्ड है रियरिंग, लेकिन इसके मतलब पांच है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। रियरिंग मीन्स टू प्रोवाइड शेल्टर, टू प्रोवाइड फीडिंग, टू प्रोवाइड ब्रीडिंग, टू प्रोवाइड मेडिकल केयर, एंड टू प्रोवाइड पर्सनल केयर।
दीज फाइव थिंग्स आर कलेक्टिवली सेड टू बी एज रियरिंग। नॉर्मली तो आप देखते हैं रियरिंग मीन्स पालना, किसी भी एनिमल को पालना, दैट इज रियरिंग। लेकिन बच्चों रियरिंग के अंदर है, रियरिंग वर्ड अपने आप में बहुत महत्व रखता है। रियरिंग वर्ड के अंदर ही पांच वर्ड छुपे हुए हैं जो कि किसी भी एनिमल को आप अगर पाल रहे हैं कमर्शलाइजेशन करने के लिए, तो वहां पर फाइव थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कलेक्टिवली सेड टू बी रियरिंग, विच आर टू प्रोवाइड शेल्टर, उन्हें रहने के लिए जगह देना, टू प्रोवाइड फीडिंग, उन्हें खाने के लिए अच्छा खाना देना उनके पर्पज का, एंड थर्ड वन इज टू प्रोवाइड ब्रीडिंग, सही समय पर उनकी ब्रीडिंग करवाना, बिकॉज दे आर नॉन प्राइमेट्स और देयर इज अ पर्टिकुलर सीजनल सीजन इन विच दे ब्रीड, तो उस समय उनकी ब्रीडिंग करवाना, दैट इज द टू प्रोवाइड ब्रीडिंग। तो शेल्टर, फूड, ब्रीडिंग एंड देन मेडिकल केयर, जब जब तबीयत उनकी खराब हो एनिमल्स की, कैटल्स की, तो वेटनरी डॉक्टर्स के थ्रू उनका इलाज करवाना। एंड फाइनली द नंबर फाइव इज पर्सनल केयर। आपने देखा भी होगा बच्चों गाय भैंस जहाँ पे पालते हैं लोग, जाड़े के महीने में वहां पर आग जला दिया जाता है कमरे को गर्म रखने के लिए, ऊपर टीन शेड डाल दिया जाता है बरसात में कि गाय वगैरह भींगे ना, जो गर्मी के मौसम में वहाँ कुछ हवा वगैरह की व्यवस्था की जाती है। तो दीज आर द पार्ट ऑफ पर्सनल केयर आल्सो। सो रियरिंग इन्वॉल्व्स टू प्रोवाइड शेल्टर, टू प्रोवाइड फीडिंग, टू प्रोवाइड ब्रीडिंग, टू प्रोवाइड पर्सनल केयर एंड टू प्रोवाइड मेडिकल केयर। So, what is the definition of animal husbandry, children? The definition of animal husbandry is the process of rearing and management of various livestock or various animals for the production of different products for human welfare. And the main important animal husbandry are, in fact, dairy farm management. देखिए बहुत important है dairy farm management, poultry farm management, बी कीपिंग, पिसी कल्चर, दीज आर द इम्पोर्टेंट एनिमल हस्बेंड्री चिल्ड्रेन। एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस, पशुपालन तो बहुत से होते हैं लेकिन यह इम्पोर्टेंट पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री है जिनके थ्रू हम मनी भी अर्न करते हैं और यह इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजीज है फूड प्रोडक्शन को इनहेंस करने के लिए। सो चिल्ड्रेन फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डेयरी फार्म मैनेजमेंट। डेयरी फार्म मैनेजमेंट ध्यान दीजिए, अगर डेयरी फार्म मैनेजमेंट को डिफाइन करना हो बच्चों हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? अभी आपने एनिमल हस्बेंड्री का परिभाषा देखा कि द प्रोसेस ऑफ रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ वेरियस लाइव स्टॉक्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर हम लोग सीधे सीधे डेयरी की बात करेंगे, यानी क्या? द प्रोसेस ऑफ रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ वेरियस कैटल्स, कैटल्स अब वेरियस लाइव स्टॉक्स या एनिमल्स की बात नहीं करेंगे, अब हम कैटल्स की बात करेंगे। द प्रोसेस ऑफ रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ वेरियस कैटल्स सच एज काउ, बफेलोज एंड गोट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स इज नोन एज डेयरी। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, डेयरी इज द प्रोसेस ऑफ रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ वेरियस कैटल्स सच एज काउज, बफेलोज एंड गोट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स इज नोन एज डेयरी या डेयरी फार्म मैनेजमेंट। डेयरी फार्म मैनेजमेंट में काउ, बफेलो, गोट्स इन कैटल्स को हम रियरिंग करते हैं, पालते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, मेडिकल केयर, पर्सनल केयर, आप जानते हैं रियरिंग का मतलब, हर तरीके से उन्हें हम पालते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पेशली मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क से जितने भी आइटम्स हैं, रबड़ी, खोआ, मलाई, छेना, पनीर एंड ऑल द अनदर प्रोडक्ट्स आर जस्ट मैन्युफैक्चर्ड थ्रू द मिल्क आर सेड टू बी एज मिल्क प्रोडक्ट। और जितने भी मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट है उनको ऑब्टेन करने के लिए हम लोग जब कैटल्स को रियर करते हैं तो दैट इज सेड टू बी एज डेयरी फार्म मैनेजमेंट। एंड इट इन्वॉल्व्स द सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड्स, प्रोवाइडेड प्रॉपर शेल्टर, साइंटिफिक वे ऑफ फीडिंग, sufficient quantity of water, maintenance of disease free and stringent cleanliness and hygiene। देखिए मैंने rearing में जो पांच बातें बताई थी बच्चों उन पांच बातों को आप यहाँ ढूंढ भी सकते हैं। देखिए selection of good breeds, breeding हो गया, provided proper shelter हो गया दूसरा, और food तीसरा हो गया, feeding चौथा, उसमें water भी शामिल हो गया, चौथा डिजीज फ्री, वेटनरी डॉक्टर की बात मैंने की थी दैट इज मेडिकल केयर, और पांचवा क्लीननेस और हाइजीन की बात किया था दैट इज पर्सनल केयर।
सो चिल्ड्रेन ब्रीडिंग शेल्टर फीडिंग एंड मेडिकल केयर एंड पर्सनल केयर आर कलेक्टिवली सेड टू बी एज रियरिंग. दैट्स व्हाई आई हैव जस्ट डिफाइंड द डेयरी एज द प्रोसेस ऑफ रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ कैटल्स सच एज काउज गोट्स एंड बफेलोज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट इज नोन एज डेयरी. बच्चों यहाँ पर हम लोग ब्रीड्स की अगर बात करें, यहाँ लिखा हुआ है गुड ब्रीड्स, तो ब्रीड्स की भी अगर बात करें तो मिल्क यहाँ पर प्रोड्यूस करने वाले जो ब्रीड्स होते हैं उनको मिल्च ब्रीड, ध्यान दीजिएगा, मिल्क प्रोड्यूस करने वाले ब्रीड्स को मिल्च ब्रीड कहा जाता है, मिल्च ब्रीड. और जबकि जो मिल्क नहीं प्रोड्यूस करते हैं उनको ड्राफ्टिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है, उनको कहा जाता है ड्राफ्ट ब्रीड या ड्रॉट ब्रीड. तो ड्रॉट ब्रीड या ड्राफ्ट ब्रीड अलग हो गया और जबकि मिल्च ब्रीड अलग हो गया. और फिर बच्चों मिल्च ब्रीड में भी बात करें हम काउज बफेलोज और गोट्स की, तो सबसे न्यूट्रिशियस जो मिल्क है वो गोट का माना जाता है. बच्चों ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक न्यूट्रिशियस जो है न्यूट्रिएंट्स वाला मिल्क जो है वह गोट का है, लेकिन वह गोट का मिल्क इतने कम अमाउंट में होता है जो हमारे इस रैपिडली ह्यूज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को जो सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगी, सबके नीड को फुलफिल नहीं कर पाएगी, इसलिए जो है गोट के मिल्क को हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं. In spite of it, we are knowing that goat's milk is the highly nutritive. Or besides goat's milk, we are using the cow's and buffalo's milk and maximally the buffalo's milk. सबसे अधिक हमारे देश में बफेलो के ही मिल्क को यूज किया जाता है. तो यह तो ब्रीड्स वाली बात रही कि मिल्च ब्रीड और ड्रॉट ब्रीड या ड्राफ्ट ब्रीड. अब अगर हम लोग काउस की ही ब्रीड्स की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर भी दो तरीके के ब्रीड होते हैं, एक इंडिजिनस ब्रीड और एक एक्जोटिक ब्रीड्स. इंडिजिनस ब्रीड का मतलब होता है जो कि सेम ज्योग्राफिकल एरिया का है, जिसके कॉमन एंसेस्टर्स हैं, 5 से 7 जनरेशन पहले जिनके कॉमन एंसेस्टर्स हैं और जो सेम ज्योग्राफिकल एरिया का है. इंडिजिनस ब्रीड्स आर गिर, साहिवाल एंड रेड सिंधी. ध्यान दीजिएगा, काउस की जो इंडिजिनस ब्रीड्स है, चाहे आप तो नोट भी कर सकते हैं, काउस की जो इंडिजिनस ब्रीड्स है वह है गिर, साहिवाल और रेड सिंधी. जबकि काउस की जो एक्जोटिक ब्रीड्स है, जो विदेशी ब्रीड्स है, जो अदर ज्योग्राफिकल एरियाज की है, जिनके कॉमन एंसेस्टर्स भी नहीं है, उनमें कॉमन जो एक्जोटिक ब्रीड्स हैं उनके एग्जांपल्स हैं होल्स्टीन, फ्राइसियन, ब्राउन स्विस और जर्सी. बच्चों इंडिजिनस ब्रीड्स का क्रॉस एक्जोटिक ब्रीड से करा के जो है हम ऐसे ब्रीड्स को, हाइब्रिड ब्रीड्स को तैयार करते हैं जिनके अंदर मिल्क प्रोडक्शन की कैपेसिटी ज्यादा होती है. बिकॉज वी नो द आवर एम दैट इज द स्ट्रेटजीज फॉर द एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन. तो फूड प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जाती है. बच्चों इसी जगह पे मैं आपको एक और फेनोमेना इसी चैप्टर का बताना चाहूंगा, दैट इज मोएट. या कई बार कॉम्पिटिशन में एम्स वगैरह में भी कई बार पूछा हुआ है, दैट इज मोएट, MOET, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी. इन मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी अ काउ इज मेटेड बाय द सुपर बुल से जो है उसको क्रॉस कराया, सुपीरियर बुल से उसको क्रॉस कराया जाता है और फिर उस फर्टिलाइज्ड एग को सरोगेट मदर में डाल दिया जाता है, मींस दूसरे काउ के अंदर डाल दिया जाता है. और इस काउ को जिसको मेटिंग कराई जाती है ये हाई रिच क्वालिटी वाली रहती है जिसके अंदर मिल्क प्रोडक्शन का कैपेसिटी ज्यादा रहता है. और इसको एलीट बुल से फर्टिलाइज कराने के बाद फर्टिलाइज जायगोट को या डेवलपिंग एम्ब्रियो को हम एक दूसरे काउ के यूट्रस में डाल देते हैं, दैट इज सरोगेट मदर. और इस तरीके से जेनेटिक काउ, जेनेटिक मदर, इनफैक्ट जेनेटिक मदर आर रियल काउ इज अवेलेबल फॉर अनदर राउंड ऑफ सुपर ओवुलेशन. So this is a kind of super ovulation. In biology, it is said to be as MOET, that is multiple ovulation embryo transfer technology. So multiple ovulation embryo transfer technology करके बच्चों हम ज्यादा दूध देने वाली और ज्यादा अच्छी क्वालिटी वाले दूध देने वाली काउस की वेराइटीज को तैयार करते हैं. स्पेशली हमारे देश में हरियाणा में करनाल डिस्ट्रिक्ट में NDRI सिचुएटेड है. NDRI That is National Dairy Research Institute. और NDRI ने जो है NDRI National Dairy Research Institute में बच्चों यह क्रॉस ब्रीडिंग कराया जाता है, जहाँ पर एक्जोटिक ब्रीड से इंडिजिनस ब्रीड्स की क्रॉस कराए जाते हैं और हाइब्रिड ब्रीड्स तैयार किया जाता है जिसमें कि मिल्क की क्वालिटी भी ज्यादा बढ़ जाती है और क्वांटिटी भी बढ़ जाती है. That is our aim, our goal
आवर ऑब्जेक्टिव दैट इज स्ट्रेटजीज फॉर द एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। तो बच्चों याद कर लीजिए, ताऊस की वैरायटी इंडिजिनस मैंने बताया, रेड सिंधी, साहिवाल और गिर, और जबकि एक्जोटिक वैरायटी ताऊस की मैंने बताया आपको बच्चों ब्राउन स्विस, होल्स्टीन फ्राइसियन और जर्सी, जबकि एनडीआरआई लोकेटेड एट करनाल हरियाणा इज जस्ट इन्वॉल्व टू मेक द हाइब्रिड्स ऑफ काउज बाय मेटिंग ऑफ द इंडिजिनस ब्रीड्स विद द एक्जोटिक ब्रीड्स टू प्रोड्यूस टू मैन्युफैक्चर द हाइब्रिड ब्रीड्स हैविंग हाई क्वालिटी रिच क्वालिटी ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। ओके माय डियर किड्स, इफ वी टॉक अबाउट द इंडिजिनस ब्रीड्स ऑफ बफेलोज देन मेहसाना, सुरती, यह सब बफेलोज की इंडिजिनस वेराइटीज हैं जिनका एक्जोटिक ब्रीड से क्रॉस कराया जाता है एनडीआरआई में ही बच्चों। इसके अलावा आपको एक बात और जाननी चाहिए, एनडीडीबी एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड हैज बीन इन्वॉल्व टू एनहांस द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, और डॉक्टर वर्गीस कुरियन के प्रयासों से हमारे देश में शुरू किया गया व्हाइट रेवोल्यूशन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन बच्चों वह तो हमारे बीच में अब नहीं रहे, डॉक्टर वर्गीस कुरियन तो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन हमारा देश मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन में पूरे संसार में नंबर एक पर पहुंच चुका है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स चिल्ड्रन, यू शुड नो। एंड व्हाइट रेवोल्यूशन की शुरुआत किया था डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने, व्हाइट रेवोल्यूशन चलाया और गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट में अमूल की स्थापना किया। अमूल यू नो वेरी वेल द टेस्ट ऑफ इंडिया, और अमूल के थ्रू, अमूल की स्थापना करके उन्होंने मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट को काफी एनहेंस कराया, और आज के डेट में हमारे देश में सरकारों की तरफ से भी इसमें काफी हेल्प है, सब्सिडीज हैं, बहुत सी सब्सिडीज माफ हैं, और इसके अलावा सरकार की तरफ से अलग से सहयोग है ताकि लोग इसको प्रमोट कर सके, डेयरी को करने के प्रति लोग प्रमोट हो, और जो है डेयरी फार्म मैनेजमेंट के थ्रू हम मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को और ज्यादा बढ़ा सके। ओके चिल्ड्रन, सो आफ्टर कंप्लीटिंग द डेयरी फार्म मैनेजमेंट लेट अस स्टार्ट द सेकंड एनिमल हस्बेंड्री दैट इज पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। इट इज आल्सो अ वेरी बिग टास्क टू एनहांस द फूड प्रोडक्ट फॉर द स्ट्रेटजीज फॉर द एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, बिकॉज पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, थ्रू पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट वी प्रोड्यूस टू आइटम्स, वन इज चिकन एंड अनदर इज एग्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ चिकन एंड एग्स देयर आर टू काइंड्स ऑफ ब्रीड्स ऑफ पोल्ट्री। ओके चिल्ड्रेन, नंबर वन इज एगर आर लेयर ब्रीड, ध्यान से सुनिएगा इन चीजों को, चाहे आप तो नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ बच्चों। पोल्ट्री की भी दो तरह की ब्रीड होती है, एक ब्रीड को बोलते हैं एगर आर लेयर ब्रीड, जिसको रेयर किया जाता है एग के लिए, एग प्रोडक्शन के लिए। ओके, और जबकि दूसरी जो ब्रीड होती है उसका नाम है ब्रॉयलर ब्रीड, जिसको हम लोग रेयर करते हैं चिकन के प्रोडक्शन के लिए। तो चिकन के प्रोडक्शन के लिए ब्रॉयलर ब्रीड और एग के प्रोडक्शन के लिए एगर ब्रीड। तो दो तरह की पोल्ट्री की ब्रीड बच्चों, एक एगर ब्रीड और दूसरा ब्रॉयलर ब्रीड। एगर ब्रीड आर बींग आर रेयर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग्स, whereas broiler breeds are being reared for the production of chickens. So you are seeing here that selection of disease free and suitable breeds, proper feeding and water, proper and safe farm conditions and hygiene and health care. वहाँ पर जो मुर्गी फार्म या पोल्ट्री फार्म होता है बच्चों, वहाँ पे सेफ कंडीशन होने चाहिए, उनका फीडिंग जो होता है स्पेशल होनी चाहिए, वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, हेल्थ और हाइजीन का ख्याल होना चाहिए। आप जानते ही हैं रियरिंग का मतलब ही होता है टू प्रोवाइड प्रॉपर शेल्टर, फीडिंग, ब्रीडिंग, मेडिकल केयर एज वेल एज पर्सनल केयर। सो माय डियर किड्स, इफ वी टॉक अबाउट द ब्रीड्स ऑफ पोल्ट्री देन देयर आर एगर एंड ब्रॉयलर ब्रीड्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। एंड इफ वी टॉक अबाउट द इंडिजिनस ब्रीड्स, अगर हम इंडिजिनस ब्रीड्स की बात करें तो लेगहॉर्न और इंडियन लेगहॉर्न, व्हाइट लेगहॉर्न एंड इंडियन लेगहॉर्न आर द इंडियन वैरायटीज ऑफ द हेंस इनफैक्ट, वेयर एज द असील इनफैक्ट, ध्यान दीजिएगा, जो देसी मुर्गा कहा जाता है, देसी मुर्गा या इंडियन जो चिकन है दैट इज बेसिकली असील, असील आर इंडियन असील, साइंटिफिक नेम है ये असील, ए एस डबल ई एल, असील और इंडियन असील या इंडिजिनस है, और जबकि एक्जोटिक जो है वह है लेगहॉर्न और व्हाइट लेगहॉर्न। तो लेगहॉर्न और व्हाइट लेगहॉर्न आर एक्जोटिक ब्रीड ऑफ पोल्ट्री
whereas indigenous breeds are Asil and Indian Asil. In this way, children, we have finished the dairy farm management and poultry farm management. After seeing the dairy and poultry farm management, here first of see the different kind of animal husbandry. Here we are seeing the dairy farm management, poultry farm management, then beekeeping, and then pisciculture. Now learn something about beekeeping also. Beekeeping की बात अगर हम करें बच्चों, तो इसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं. अगर हम एपिकल्चर की बात करें, तो रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ हनी बी, दैट इज एपिक्स इंडिका या एपिक्स डॉर्साटा, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड वैक्स. ध्यान दीजिए, द रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ हनी बीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड वैक्स इज नोन एज बी कीपिंग. अगर बी कीपिंग की हम बात करें, तो हनी बी का रियरिंग करना हनी और वैक्स के लिए, दैट इज बी कीपिंग. बी कीपिंग में बहुत ही अधिक स्कोप है. बायोलॉजी वालों के लिए एक बहुत ही स्कोपफुल ये क्राइटेरिया है बी कीपिंग, क्योंकि बी कीपिंग करके हम बहुत ही लार्ज अमाउंट में हनी प्रोड्यूस कर सकते हैं. और आप जानते ही हैं, पुराने जमाने से ही हनी हमारे हेल्थ से जुड़ा हुआ है. बहुत से फायदे हैं इससे, ये न्यूट्रिशियस भी है और बहुत से तरीके की बीमारियों से हमें दूर रखता है, हमारे इम्यून पावर को बढ़ाता है. और बी कीपिंग करके हम वैक्स यानी मोम भी प्राप्त करते हैं. तो बी कीपिंग इज द रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ हनी बीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड वैक्स. यहाँ पर हमें कुछ बातों को ध्यान देना होता है. फॉर एग्जाम्पल, सुटेबल लोकेशन, हम हाइव को कहाँ पर रखेंगे, क्योंकि ये हाइव मधुमक्खी का जो छत्ता नेचुरल नहीं है, बल्कि ये लकड़ी के बॉक्सेस है, जिनको हम उस स्थान पर रखना चाहेंगे जहाँ पर फूलों का ऑर्चर्ड आस पास में हो. बिकॉज इफ देर विल बी फ्लावर ऑर्चर्ड, फ्रूट ऑर्चर्ड नियर बाई द प्लेस वेयर वी हैव केप्ट बॉक्सेस और हाइव, यू कैन से देन इट विल बी इजी टू कलेक्ट द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर बाई द वर्कर हनी बी. दैट्स व्हाई वी पुट द हाइव नियर बाई द फ्लावर ऑर्चर्ड. फूलों और फलों के बगीचे के आसपास, गार्डन्स के आसपास हम जो है हाइव को रखेंगे. दैट इज द सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लोकेशन फॉर प्लेसिंग द हनी बी हाइव. सेकेंड वन इज द नॉलेज ऑफ नेचर एंड हैबिट ऑफ हनी बीज. हमें उनके नेचर, उनके हैबिट्स का भी नॉलेज होना चाहिए जो एपिकल्चर के अंतर्गत हम एक्वायर करते हैं. लाइक किस तरीके से वे डांस परफॉर्म करते हैं, किस तरीके से वर्कर्स बीज जाते हैं हाइव से जो है नेक्टर के तलाश करने के लिए, और फिर किस तरीके से हनी को लेकर वापस आते हैं छत्ते के पास, और दो तरीके के डांस परफॉर्म करते हैं, राउंड डांस और बेगल डांस. चिल्ड्रेन, व्हेन दे आर परफॉर्मिंग राउंड डांस, देन द फूड आइटम दैट इज द नेक्टर ऑफ फ्लावर इज जस्ट अंडर 150 मीटर ऑफ द हनी बी हाइव. ध्यान दीजिएगा, जब छत्ते से 150 मीटर के अंदर में खाना यानी कि फ्लावर का नेक्टर वो खोज पाते हैं, then they perform round dance. And when the food item that is the flower nectar is beyond the limit of 150 meter, then they perform waggle dance. Aadha clockwise, aadha anti-clockwise. So, jab honeybees anti-clockwise or clockwise direction mein dance kar rahe hote hain, then they are trying to communicate the queen and another bees that they have just searched the food item which is beyond 150 meter from their hive. And when they are performing the round dance, then they are trying to convey their queen and another bees that they have searched the food items under 150 meter from their honeybee hive. And children, first you know already that first of all the social behavior and division of labor has been arisen in phylum Arthropoda. So Arthropoda के अंदर आप beekeeping में देखेंगे. अभी मैंने आपको apiculture बताया बच्चों, ठीक इसी तरीके से sericulture. सेरिकल्चर क्या है? द प्रोसेस ऑफ रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वर्म. ध्यान दीजिएगा, द प्रोसेस ऑफ रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वर्म, दैट साइंटिफिक नेम बॉम्बिक्स मोराई. उनका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बॉम्बिक्स मोराई. तो द प्रोसेस ऑफ रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, जिससे हम सिल्क तैयार कर सकें, रेशम तैयार कर सकें, दैट इज सेरिकल्चर. एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है बायोलॉजी का, एक बहुत ही एडवांस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है यह सेरिकल्चर. और सहतूत के पेड़ों पर, मलबरी के ट्रीज पर स्पेशली यह रहते हैं बॉम्बिक्स मोराई, और अपने सलाइवा से अपने नेस्ट को बनाते हैं बच्चों, अपने जाल को या अपने घर को यू कैन से
ये अपने सलाइवा से बना रहे होते हैं एंड थ्रू देयर सलाइवा द नेचुरल सिल्क इज बीइंग ऑब्टेंड। और नेचुरल सिल्क चूंकि उनके सलाइवा से ऑब्टेंड होता है काफी कॉस्टली, इसीलिए काफी कॉस्टली होता है, जबकि उसके तुलना में हम आर्टिफिशियल सिल्क यानी रेयान का इस्तेमाल करते हैं जो हमें चीपर पड़ता है। अगर आप वाराणसी का एग्जाम्पल लें बच्चों, आप जानते हैं वाराणसी इज फेमस फॉर बनारसी साड़ी, बनारसी साड़ी के लिए फेमस है और बनारसी साड़ी सिल्क से बनाया जाता है। लेकिन अगर नेचुरल सिल्क वाली बनारसी साड़ियां हैं तो काफी कॉस्टली होती है, लेकिन उसकी अल्टरनेटिव के रूप में हम लोगों ने रेयान को ढूंढा हुआ है, दैट इज आर्टिफिशियल सिल्क। और आर्टिफिशियल सिल्क है वो उसके अंदर शाइन भी ज्यादा है और वह चीपर पड़ता है, जिससे कि बनारसी साड़ियां और सिल्क के अन्य आइटम्स ज्यादातर बनाए जाते हैं, दैट इज आर्टिफिशियल सिल्क। बट वी ऑब्टेन द नेचुरल सिल्क फ्रॉम द सलाइवा ऑफ द सिल्क वर्म, साइंटिफिक नेम बॉम्बिक्स मोराई, दैट लिव ऑन द मलबरी ट्री एंड जस्ट बिल्ड देयर नेस्ट through their saliva. So we are seeing the another kind of beekeeping, that is the process of rearing and management of silkworm for the production of silk is known as sericulture. And one more kind of beekeeping we have to discuss children, that is lac culture. Agar hum lac culture ko dekhe bachcho, so the process of rearing and management of lac worm, scientific name Tecardia lacca or Lacifer lacca, that is known as lac culture. Lac आप जानते भी होंगे जो examination का envelope seal करने के लिए या post office के parcels, couriers के parcels seal करने के लिए, even आपके exams की copies, our practical exams से related जो confidential चीजें हैं उसको जो है seal करने के लिए हम लोग lac का use करते हैं। सोने की चूड़ियां और gold के अन्य items में भी lac मिलाया जाता है बच्चों, या sealer का काम करने के अलावा जो है ऑर्नामेंट्स में भी मिलाया जाता है उनकी ड्यूरेबिलिटी को, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो लैक इनफैक्ट द प्रोसेस ऑफ रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ लैक वर्म, दैट इज लेसिफर लैक्का और टेकार्डिया लैक्का फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लैक इज नोन एज लैक कल्चर। सो इन बी कीपिंग वी हैव सीन थ्री काइंड ऑफ बी कीपिंग, फर्स्टली एपिकल्चर, द प्रोसेस ऑफ रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ हनी बी, दैट इज नोन एज एपिकल्चर for the production of honey and wax. Secondly, we have seen the process of rearing and management of silkworm for the production of silk is known as sericulture. And thirdly, we have seen that for the process of rearing and management of lac worm for the production of lac is known as lac culture, children. So in this way, in animal husbandry, we have seen dairy farm management, poultry farm management, and beekeeping. Now see the fourth animal husbandry, fourth kind of animal husbandry, that is pisciculture. Children, the process of rearing and management of fishes, ध्यान दीजिएगा, the process of rearing and management of fishes for the production of fish meat and fish products are known is known as pisciculture. इसमें हम pisciculture में जो है हम मछलियों को पालते हैं और fish की rearing करते हैं बच्चों, fish meat के लिए और फिश प्रोडक्ट्स के लिए। फिश प्रोडक्ट्स लाइक लिवर कॉडाइल, यू नो सैल्मन ओमेगा, ओमेगा थ्री आयल, ये सब जो चीजें हैं या फिश प्रोडक्ट्स के रूप में आते हैं, लिवर कॉडाइल या फिश प्रोडक्ट्स के रूप में आते हैं, एज वेल एज फिश मीट, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फूड आइटम, फूड सप्लीमेंट एंड एक्सटेंसिवली यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर फूड आइटम्स, फॉर फूड सप्लीमेंट। सो चिल्ड्रेन, द प्रोसेस ऑफ रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशेज for the production of fish meat and fish products is known as pisciculture. और pisciculture भी हम लोग दो तरह के करते हैं बच्चों, एक culture fisheries और दूसरा capture fisheries. अगर culture fisheries की बात करें तो वहां पर हम culture करते हैं, pond या lakes या इस तरह के water bodies में हम fish को जो है rearing करते हैं, that is pisciculture. और सेकंड जो हम लोगों ने बात किया कैप्चर फिशरीज की, वह मछुआरे प्रजाति के लोग होते हैं जो फिश नेट के थ्रू जो है जाल के थ्रू मछली को पकड़ते हैं नदियों में से या अन्य वाटर बॉडीज में से और फिर कमर्शलाइजेशन करते हैं, तो दैट इज कैप्चर फिशरीज। तो देयर इज द डिफरेंस बिटवीन कल्चर फिशरीज एंड कैप्चर फिशरीज। सो माय डियर किड्स, इन दिस वे वी हैव सीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री व्हिच आर डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म, बी कीपिंग एंड पिसी कल्चर, ओके, एंड वी हैव सीन
that the process of rearing and management of various livestock for the production of different products for human welfare for the commercialization is known as animal husbandry. Now see here, animal husbandry, dairy, poultry, and now see the breeding. What is breeding, children? Breeding is the process of mating, okay, and in plant, basically we use this term for plants also, and now we have to discuss about the plant breeding also. So firstly see the breeding, that is inbreeding, jabki same breeds rahenge, same geographical area wale aur common ancestors wale, aur jabki different breeds jo rahenge unko outbreed kaha jata hai. Isme bhi alag alag condition hoti hai bachcho, outcrossing, crossbreeding aur interspecific hybridization. Outcrossing jisme ki alag alag breed rahenge lekin उनके एंसेस्टर्स कॉमन है, और जबकि क्रॉस ब्रीड्स में ब्रीड्स ही अलग अलग हो जाएंगे हैविंग नॉट कॉमन एंसेस्टर्स. और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है बच्चों. तो इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग के बीच की डिफरेंस आप देख ही रहे हैं. इन ब्रीडिंग में मेटिंग सेम स्पीशीज में कराया जाता है, और आउट ब्रीडिंग में मेटिंग जो है डिफरेंट स्पीशीज में कराया जाता है. इन ब्रीडिंग का यह एडवांटेज है कि इसमें प्योर लाइन डेवलप होता है, कोई वेरिएशन नहीं आता है, और जबकि आउटब्रीडिंग के तमाम एडवांटेजेस हैं. इसमें वेरिएशन आता है, हाई मिल्क प्रोडक्शन, हाई यील्डिंग होती है, डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स बनते हैं. तो आउटब्रीडिंग के बहुत से फायदे हैं. हम लोग प्लांट ब्रीडिंग की भी बात करेंगे बच्चों, बट इन द नेक्स्ट क्लास. इन टूडेज क्लास वी जस्ट स्टार्टेड द एनिमल हस्बेंड्री एंड सीन द व्यूज, द क्राइटेरिया फॉर द स्ट्रेटजीज ऑफ फॉर द एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन. Now, thank you very much.